यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने बुजुर्गों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। एक कार्यक्रम के दौरान राम नाईक ने कहा कि बुजुर्गों को पेंशन देना एक बड़ा बोझ बन गया है। राम नाईक ने कहा कि पहले लोग रिटायरमेंट के बाद 3-4 साल ही पेंशन ले पाते थे, लेकिन अब लोग कई साल तक पेंशन लेते रहते हैं। ये देश के सामने एक बड़ी समस्या है। जो नौकरी करते हैं वो 58 की उम्र में रिटायर होते थे और मुश्किल से 3 साल 4 साल 5 साल पेंशन ले सकते थे, लेकिन आज आमतौर पर आयुष्मान जो है वो 70-75 के आगे गया है। तो देश के सामने ये है समस्या कि यह जो बुजुर्ग है वह बुजुर्ग का क्या करना, अभी उनको कितने साल पेंशन देते रहना।